दुबई से एयरबस A340 फ्लाइट टेक ऑफ होती है निकारागुआ की ओर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फ्लाइट को फ्यूल भरने के लिए फ्रांस के एक छोटे से एयरपोर्ट वैटरी पर रुकना पड़ता है। अब देखिए यहाँ से पूरे गेम की शुरुआत होती है। दरअसल फ्रांस पुलिस को इंटेल मिलते है कि डंकी फ्लाइट से करीब 300 से ज्यादा इंडियन जो है वो निकारागुआ में जा रहे थे। अब देखिए निकारागुआ इसलिए फेमस है क्योंकि डंकी प्रोसेस से अब तक यहाँ पर आए दिन लोग जो है वो आते रहते हैं। और फिर पुलिस को इस बात का भी शक होता है क्योंकि इतने सारे लोग है, इनमें बच्चे भी है, तो कई ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो मामला नहीं है। फिर इन लोगों की इंक्वायरी होती है जिसमें ये पाया जाता है कि ये जो लोग है उनको इंडिया में जॉब नहीं मिली थी और कुछ जो लोग है वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इंडिया छोड़ के अमेरिका जा रहे थे और उनमें से 25 लोग जो है वो किसी भी कीमत पर इंडिया नहीं आना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने फ्रांस में शरण लेने के लिए आवेदन किया और वो वही रुक गए। बाकी जो 276 लोग थे उन्हें इंडिया में डिपोर्ट किया जाता है। अगर इस साल की बात करें तो 96,000 से ज्यादा लोग जो है वो इलीगली डोंकी प्रोसेस से अमेरिका जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतने ज्यादा लोग जो है वो इंडिया छोड़ के अमेरिका क्यों जाते हैं?